मैंने जी खाना मंगाया था जोमेटो से, और ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, पर बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये पनीर भुर्जी मंगाया था और ये ऐसे ही मिला मेरे को। मतलब इस पे ना कोई जोमेटो का टेप था ना कुछ था, ऐसे का ऐसा मिला मेरे को, और ये साफ पता चल रहा है किसी ने खाया हुआ है। तो भैया मैंने मैंने कर दी कंप्लेन रेज, लेकिन कंप्लेन में पहले पता नहीं एक जो भी, मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा उसके, उस पर किसी ने तो डाला, उसने बोला कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, हमारे तो बस आपका खाना डिलीवर हो गया, हमारा पलड़ा हो गया ख़त्म, हम नहीं कर सकते कुछ। तो मैंने भैया थोड़ी और कंप्लेन करी कि ऐसे थोड़ी ना आप, मतलब कोई खा के खाना दे के जा रहा है, मैं कैसे खाऊंगा भाई, ये जूठा कर दिया किसी ने, मैं कैसे खाऊंगा, सीधी सी बात। तो मैंने बोला कि आप इसको एस्केलेट कर दो, किसी और को दो जो हेल्प कर सके। तो उसने भी सेम, उसने मेरे को कॉल किया, बात करी, सेम बातें कि हम नहीं कर सकते, हम डिलीवरी ड्राइवर, भाई तुम चोर से पूछ रहे हो चोरी करी नहीं करी, वो तो नहीं बोलेगा ना, तो उल्टी बात तो तुम खुद कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी बताओ मेरे को कोई सोल्यूशन तो दो। मैंने उनको बोला कि ऐसा करो, ये जो खाना आया है ये खाना आप वापस ले जाओ, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो, मैं ऑर्डर कर लूँगा, मैं जाके कहीं कुछ खा लूँगा। तो नहीं, हम तो आपको उतना दे ही नहीं सकते, हम रिफंड कर सकते हैं आपको 120, 124, भाई 170 रुपये का ऑर्डर है मेरा, मैं क्यों लूँ उतने पैसे, और मैं इसका अचार डालूंगा जो इसके साथ मैंने रोटियां मंगाई हैं उसका अचार डालूँ, क्या करूँ मैं, ये मैं खाऊंगा नहीं रोटियों का, क्या करूँगा भाई। अब मैं उनको बोल रहा हूँ भैया मेरी बात सुनो, अब आपको चाहिए, मैं अब सोचो 4 बजे मेरे पास खाना आया है, अभी 4:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, मैं इतनी देर से वही कर रहा था, उनसे बात कर रहा था बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से, लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई। जोमेटो मतलब कोलकाता में तो बहुत बुरी हालत है। अभी लास्ट वीक ऐसे ही ऑर्डर किया था, यारादा ढाबा करके एक रेस्टोरेंट है, उससे खाना मंगाया था, 2 चिकन के आइटम थे और एक पनीर एक दाल थी, तो चिकन के आइटम में से एक एक पीस दोनों में से गायब है, और लग रहा है वो किसी ने खोला है, उसके ऊपर से टेप मार के वो उसको चिपकाया हुआ है। जब मैंने रिसीव किया तो रात का टाइम था, करीब 10:30 बज रहा होगा, तो रिसीव किया, ध्यान नहीं दिया क्योंकि नहीं देते हैं यूजुअली, इतना ध्यान नहीं देता है आदमी। जब लेके आ रहा हूँ मैं अंदर आके, वो डिलीवरी ड्राइवर तो चले गया, मैं देख रहा हूँ यार ये तो फटा हुआ है, तो कंप्लेंट डाली, वहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है भाई, ये बहुत दिक्कत है। जोमेटो पता नहीं और जगह पे हो रहा है कि नहीं, कोलकाता में ये हो रहा है, आप खाना मंगाओगे आपके पास खाया हुआ खाना आएगा, कोई खा लेगा और खाना डिलीवर कर जाएगा, टाइम ही इतना दिखाते हैं भाई, जहाँ से आने में बंदे को 20 मिनट लगेगा आप उसको 65 मिनट दे रहे हो, तो वो तो कहीं खड़े होकर कुछ करेगा, उसमें वो खा भी तो सकता है ना, ये बहुत सीरियस इशू है। अब तुम सोचो मैंने 3 बजे खाना ऑर्डर किया है, 4 बजे मेरे पास खाना आया है, 1 घंटा मैं ऑलरेडी वेट कर चुका हूँ, उसके बाद ये खाना ऐसा आता है, मैं कंप्लेन डालता हूँ कोई सुनवाई नहीं है, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मेरे पास और कोई सोशल मीडिया है नहीं बताने के लिए, तो बस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अगर इस वीडियो को फैला दो बस। और तो और भाई मैं उससे बात ही कर रहा था, जो एग्जीक्यूटिव से मैं किसी से तो बात कर रहा था, तो मैं उससे बात कर रहा था भाई, उसने मतलब बात करते करते खुद ही अपने मन से, मैंने बोला भी नहीं, उसने चैट एंड कर दी, मैं बोल रहा हूँ आपको भाई मेरे को नहीं खाना है वो खाना, लेके चले जाओ किसी को दे दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है।